ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके जीवन में एक बहुत लंबे अरसे से चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही है। जो भी चीज़ें हम करते हैं वो काम सफल नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कार्य बहुत अच्छा चलता है पर सडन बंद हो जाता है। कोई बड़ा काम जिस काम के हो जाने से जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, वह कार्य भी नहीं हो रहा है। तो जितनी सारे कार्य जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे कौन से ग्रह आपकी राशि के जातकों के लिए खराब कर रहे हैं, और दूसरा कि इस पूरी प्रक्रिया को हम कैसे बाहर निकले, हमारे कार्य बने, कार्यों में तेजी आए और हमारे जीवन में हम उन्नति की ओर जाएं। बार बार हम वही दुख और दुख दुख से घिरे हैं। कुछ पल अच्छे होते हैं फिर दुख हो जाता है। किसी को हम नहीं समझा पाते हैं, जमीन जायदाद जितनी भी सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव जा रही हैं। तो बहुत विस्तारपूर्वक से मेरी बातों को समझेंगे, ज़रूर आपकी मदद होगी और एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आपके आने वाले जीवन में आपको देखने को मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताएं और जो भी आपके प्रश्न हों उनका जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जो मदद हो पाएगी ज़रूर आपकी करेंगे। सबसे पहला जो है, आप अपने मूल मंत्र का प्रयोग करना शुरू करें। मंत्रों में जो शक्ति होती है वो शक्ति किसी में नहीं होती है, ना मुझ में ना आप में, क्योंकि शक्तियाँ ही मंत्र ही शक्ति क्रिएट करते हैं। और वह मंत्र जो है नमः शिवाय है, महामृत्युंजय मंत्र है। आप अपने गुरु मंत्र ले लें, माता जी का श्री गणेशाय नमः। अपने जिन भी देवी देवताओं के प्रति आपको अनंत श्रद्धा है आप उनका मंत्र का प्रयोग करें, अधिक से अधिक उसका जप करें। यह जप करने से आपको आने वाले 10, 15, 20 दिन महीने भर के अंदर एक बहुत सकारात्मक चेंज आएगा। पर एक टेक्निकल चीज़ को समझना है कि जब आप जप करें तब आपका ध्यान जप में ही हो, उसके अलावा कहीं और ना हो, भटकना नहीं चाहिए। दूसरा प्रयोग ये करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पर्स में जितनी सारी अनुपयोगी चीज़ें उन्हें बाहर कर दें। अपने पर्स में बिलपत्र का पौधा और बिलपत्र अवश्य रूप से रखें। वह बिलपत्र पहले शिव जी को चढ़ाएं और उसके बाद अपने पर्स में रख लें। यह दो प्रयोग करने से जितने सारे रुके हुए कार्य में तेजी